गिर गया। यही वो पेपर है जिससे हम सारा किचन सजा रहे हैं, है ना जी। हमेशा की तरह रहते हैं, रख देते हैं ना ढककर। कितना सारा कचरा निकला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज हमारे देखिए डोगो के पापा क्या क्या सुबह में सारा काम करके गए हैं। ये पूरा खेत को अच्छे से कोड़ दिए हैं, थोड़ा सा बाड़ी को, क्योंकि इधर भी कुछ बोना था हमें, और घास वगैरह है ये सारा निकालना है। और दूसरी तरफ इधर देखिए हमारा मक्का जो है बिल्कुल अच्छे से लग गया है, अब इसको भी दोबारा कोड़ना पड़ेगा। तो अभी वो गए हैं बाबू को स्कूल छोड़ने के लिए, कि बाबू को रेडी करके स्कूल हम भेज दिए हैं। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपने किचन की साफ सफाई, और साथ में करेंगे कुछ पेपर से अपने किचन को डेकोरेट भी करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आज चलते हैं हम लोग पेपर से अपने किचन को सजाने के लिए, और कोशिश करेंगे आप सबको बहुत पसंद आएगा। देख रहे हैं ये बाल्टी, ये बाल्टी हम लोग ना यहाँ पे रखते थे, लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे रखना पड़ रहा है बाबू की वजह से, क्योंकि ये दिन भर ना पानी पानी खेलते रहते हैं। और इधर हमारा बर्तन को भी अच्छे से सजाना है। इधर देखिए प्याज वगैरह है सारा मिट्टी इसमें से हटाना है, क्योंकि कोड़ के हम लोग यहीं पे रख दिए थे। दूसरी तरफ ये देखिए अलमीरा में छोड़ कैसे हम सामान को ऐसे बस छोड़ दिए हैं, बहुत दिन से हम सजाए नहीं थे, सोच रहे थे कि सजा ही देते हैं। दोस्तों इसमें ना बहुत ज़्यादा चींटी है, और चींटी को हटाने के लिए तो हम प्रयास किए थे लेकिन नहीं हटा। इस राहर को ही काट के हटा देते हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं फुला रहा, लेकिन काम करनी है। और हाँ जरूरी है, नीचे काट दीजिएगा कि नीचे हमको ना सब कोड़ना है, कुछ बुनना भी है। इतना चींटी है ना कि मतलब कोड़ेंगे तो बाहर पड़ रहा है, सब अच्छा नहीं लग रहा है ना। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सावन में चींटी को नहीं मारना चाहिए, तो नहीं मार रहे हैं क्योंकि जीव हत्या लोग कह देते हैं, इसलिए। अरे क्या बात है जी, अभी तो आपको मजदूरी दिए भी नहीं है, पहले ही मिल गया। मिल गया तो तब ना दिखाना आपको। हाँ काट देना। हाँ काटी, बापरे एकदम माटा लिखा लगा चूटे, देखिए ना कहे कि दोबारा ये लगेगा नहीं, फिर देख रहा कितना मत ना मारियो, सिर्फ उड़ रहा है मुंह में जाएगा, चिट्टी है नीचे तो मत ना गिराइए, काट के किनारे साइड में कर दीजिए, सब गिर जाएगा तो फिर हटा दीजिएगा। इस बार ही बूंद देंगे तो अच्छा हो जाएगा क्या? हाँ ना, दोनों साथ ही मटेगा क्योंकि यहाँ रस्सी से बांधा हुआ है, दोनों साथ में मटेगा। दूर जाइए ना मत, देखिए एक दोनों साथ में हटाइएगा ना जी, तने की चुट्टी है इसमें। कैसे काटे, मारे नीचे मारी ना, इसको जानते हैं जी जोड़ो बड़ी मोटा मोटा है, देखे कि नहीं। मेरे गिर गया। देखे कितना टीटी है, पर टीटी टीटी कितना है। हम कुछ बताया ना, टीटी सुनाया तो अभी ये कर दिए हैं खलास। चलिए अब इसको बाहर फेंक तो सूख जाएगा, बाहर नहीं फेंके से लटका के डंठल से किनारे कर देते हैं, सारा ही खत्म कर देंगे काट के। तो दोस्तों यहाँ पर भी बैठ गए हैं और प्याज को भी साइड कर रहे हैं अच्छे वाले, सारा ना मिक्स किया हुआ था और कुछ प्याज ना छोड़ दिए हैं, वो क्या बोलते हैं, गल गया जी, गल गया, गल रहा है प्याज। तो प्याज बहुत दिन से यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो गलेगा ही। मुझे क्या साफ सफाई करेंगे, अभी देखिए फ्रेश निकल रहा है ना, छिलका इसका जो है ना वो खराब हो गया है, और जो गला हुआ है वो प्याज को गला कर रख देगा, इसलिए सब छान दे रहे हैं, इसको कहीं रखने का स्थान नहीं मिल रहा है। इसका उपाय करना पड़ेगा अभी, और चेयर बनाना पड़ेगा। बाबू रो रहा था क्या? ना नहीं रो रहा था, पूरा किचन ना एकदम बिखरा पड़ा हुआ है बस इसी सामान से, बस सोच रहे थे कि इसको काम करेंगे हम लोग बढ़िया से सजाएंगे, लेकिन आज वो समय मिला है और अभी सुबह से यहाँ सजाने के लिए भिड़ गए हैं। दोस्तों इसमें चना और बादाम मिक्स है, हम लोग फुला कर यही खाते हैं। अरे गिर जाता तेरे दी, खुला था का अचार है, खत्म हो गया इतना सारा, इस बार अचार हम खाने की सारा रिकॉर्ड टूट गया मेरा, सारा जीवन खाली हो गया अचार का। फिर आप ऑर्डर करेंगे ना घर से लाने के लिए? ऑर्डर होगा इस बार, ऑर्डर घर से नहीं होगा, मायके से होगा। अच्छा ये वहां से लाए थे? अरे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था ना आम का, लगता कट गया इंसान तो वो रोड में चला गया ना, इसलिए कट गया। तो वहाँ पर आम का अचार आ जाता था, दिख रहे मतलब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अब कट गया तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, बुनिया अभी तक है बाबू का, रोज थोड़ा खाता है तो देखे ना कहीं सजा कर रखने बाबू खाने के लिए से।
कभी कभी मूड करता है ना उनका भी, पूरा मुंह फ्रेश नहीं लग रहा है, सर्दी खांसी हुआ है इसीलिए। इसमें क्या है जो घोल रहे हैं, देखिए सर में। अब हम समय तो दिखाएंगे नहीं आपको, वरना आप सब मेरे घर से ले जाइएगा सर। इतना भी कोई नहीं है कि आपके घर से ले लेकर जाएगा, दुकान से जाकर ले आएगा। हाँ भाई सब पैसे वाले हैं, ये बोलिए ना। अरे हम जो लगाए थे आम का अचार, अभी तक वही टेस्ट है, बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। फर्स्ट में जो आम आया था जिसका गुठली भी नहीं हुआ था, वो आम है देखिए। और ये खाने के लिए भूल गए, इतना स्वाद लग रहा है। मेरा अचार था तो पहले खत्म कर दिया, ये अचार बच गया। अभी तक खराब नहीं हुआ, मानना पड़ेगा। लेकिन हम सारा सामान नीचे रखते हैं, ये फ्रेश करेंगे, और ये घर का राहड़ है अपने खेतों का। अरे तो कटहल का अचार जो मम्मी दी थी, ये भी रहिएगी है। इनको ना नया वाला आ जाता है से खा जाते हैं, पुरानका सब भकर लेकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है जी। तो और क्या इसमें, क्या चीज का अचार है? ये नींबू का है नहीं? अरे अति आमड़ा, आमड़ा का, आमड़ा आंवला, आमड़ा नहीं उसको बोलते हैं, आंवला बोलते हैं। ये क्या है जी, क्या कर रखे हो रहते हैं आप? तेल तेल पूरा पड़ता है ना, पूरा तेल तेल हो गया। देखिए कितना गंदा हो गया हमारा किचन ऊपर का पेपर, देखिए क्या हो गया, तेल तेल पूरा पड़ती, हालत एकदम खराब हो गई है। हाँ यही रीजन है कि पेपर नहीं देंगे ना तो पूरा मेरे नीचे काला हो जाएगा, फिर तुमको छुड़ाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हम पेपर देते हैं। हम लोग को ना महीना में कम से कम एक बार तो साफ करना ही करना है किचन, नहीं तो फिर वही हाल हो जाता है। ऐसे तो रोज साफ मतलब होता ही है, इसलिए अपना नीचे पूरा हटा के पूरा किचन की बात कर रहा हूँ मैं। दोस्तों आज हमारे किचन में सुबह नाश्ते के लिए पता है क्या बना है? ये देखिए, और रोटी बनी है। ये क्या है जी? साबुदाना। साबुदाना तो ये छोटा वाला दाना है, बड़ा वाला दाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसे छोटा वाला दाना ही ला दिए हैं। और आज सुनने वाले नहीं है, बिना नाश्ता किए हुए ही सारा काम कर लेंगे, तभी कुछ करेंगे। ये देखिए हमारा किचन का जो ये बच गया है, पेपर हम वहां पे रख दे दीजिए, जाइए हमको पेपर दे दीजिए, आप खाना खाइए नाश्ता। हमको जाना, कुछ काम है। हाँ तो जाइए ना, खाली हमको पेपर पकड़ा दीजिए, वहां पे पीछे रखिए पेपर। इनका सारा काम करने बाद ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो चिल्लाने लगेंगे। ऐसा नहीं है, पहले जाइए। तो सारे डिब्बे ना ऊपर में जो बड़े बड़े हम लोग रख दिए हैं, आप ऐसे टिंगरा का जो रख रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं, फिर निकालना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, हमको इतना आइडिया है। हाँ तो ज्यादातर किचन का भी नहीं कहता ना, ये हाउस वाइफ को संभालना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, पता है हम भी किचन में काम कर लेते हैं, करते ऐसा बात नहीं है। हाँ तो हम देते हैं तभी ना, ले ऐसा थोड़ी बात हुआ। दोस्त आप देखते हैं ना हम कैसे काम करते हैं। चलिए फिर आपको हम क्या हेल्प करें, आपसे कुछ नहीं हेल्प होगा, बेकार आप बोल रहे हैं। सच्ची किचन में काम हमसे नहीं हो पाता है, हमको झाड़ ये सब करो सब कर देंगे, लेकिन ये सब क्या है पता है, कोई सामान अगर रख देंगे पूरा तेल पड़े, कितना काला हो गया, कितना फ्रेश दिख रहा है, तो नहीं मिलेगा तो बोलेंगे आप रखे थे आप रखे थे, इससे बढ़िया भाई अपना काम खुद करो। हाँ मैं कर रही हूँ अपना काम खुद से। और ये बड़ा वाला डब्बा भी से साफ करते दोस्तों, इधर से सारा सामान पोछ पोछ इनको देते जा रहे हैं, और इधर से सारा सामान हटाते जा रहे हैं, और ये पूरा खाली हो गया रेख। अब बच गया नीचे वाला सबसे बड़ा डब्बा वाला। नीचे देखिए कितना है, लग रहा है कि एकदम अलकड़ लगा हुआ है। तब हो आज होते होते हम लोग का ना देहाती जो भाषा है बोलने में बड़ा बढ़िया लगता है, किसी को होता है ना वो कि थोड़ा ठेस लगे भाषा का, उसका ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ठेठ भाषा में जो हम गाँव जाते हैं देखते होंगे आप, बाबा से बोलते हैं क्या करे थे बाबा, हो गए बाबा ये करते हैं उस टाइप में, तो हम लोग का जो मगहिया भाषा है ना बहुत ही अच्छा लगता है। काम करके पर ला दीजिए, तो यही वो पेपर है जिससे मैं सारा किचन को सजा रहे हैं, है ना जी, हमेशा की तरह से रहते हैं ना ढककर, ये सामान आराम फल से रहता है। अब बड़ा बड़ा डब्बा है हमसे नहीं उठेगा, हो गया। इनको तो सामान पता ही जाता है कहाँ पर क्या है, सब घूम रहा है, सब किसी खा गया, क्या फायदा हुआ, लगभग एक पाव हो गया अरहर का दाल। अरहर नहीं है जी। अच्छा चना वाला है, धूप में रख दीजिए तो सोना कूट देंगे तो सब निकल जाएगा। तो दोस्तों
हम इधर कर दिए। अब रहा नीचे बड़ा बड़ा डब्बा निकालने का बारी। ये वाला बोरा हटा दिए, दूसरा बोरा देखा जी, देखिए कितना कीड़ा होगा, देखिए ऊपर कौन सा कीड़ा है नहीं पता, देखिए ना होगा प्याज वाला कीड़ा होगा जी, प्याज वाला चला गया होगा, छोड़ दिए ना दो अथी झाड़ेंगे तो हो जाएगा, छोड़ दिए कोई जिंदगी गोगो। अब उसको मैं कब छाना है, इसमें दे रहे हैं दूसरा बोरा दे रहे हैं, वाला बोरा हटा दीजिए, यहाँ पेपर नहीं चल रहा है, कहे कि मोटा मोटा सामान रहता है, बोरा ही दे दो, बोरा ही दे रहे हैं, है बोरा चावल का बोरा। दोस्तों फाइनली एकदम सारा सामान हम लोग सजा सजा कर रख दिए, और नीचे वाला जो था ये भी सब रख दिए, और ये देखिए कितना सारा कचरा निकला है, अभी प्याज कितना सारा लग रहा था ना, सिर्फ पत्ता से खाली पत्ते है वो सब ना जो एक्स्ट्रा से लगे हैं। अब देखिए कितना फ्रेश दिख रहा है हमारा किचन, ऊपर ने पूरा डब्बा सजा दिए हैं और यहाँ पे सजा दिए हैं, यहाँ पे कुछ छोटा सामान रखेंगे, और ये रहा हमारा कुछ मसाले, ये अच्छा कर लिए ले लिए थे ना जी, मतलब तो बड़े दिखा तो अलग अलग प्लास्टिक रखना पड़ता था, और इधर भी इधर फ्रेश कर दी, इधर भी देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, चूल्हा कोना वहां पे रखा हुआ था, मुंह पर डुबू खड़ा होकर खेलते थे, ये चूल्हा को साइड में कर दे, बड़ा डब्बा भी चूल्हा पे रख सके। आप बताइएगा कि मुझे किचन में और क्या तैयारियां करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, हम तो कोशिश करते हैं खुद से अच्छे से करने के लिए। और रही बात ये दीवार की, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा सारा दीवार करने, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। दोस्तों रूबी जो है आलू डाल दिए थे भात में, मार जैसा खाने में मजा आएगा, कहीं इतना मार जैसे खा रहे हैं, तो अभी जो है ना भात और चोखा बनाएंगे और खाएंगे तो खिलाएंगे भी, तो गरम है ना ये, तो गरम है तो इसका उपाय लगा दिए, छोलनी से इसको बराबर कर रहे हैं, छौंका लगाएंगे, देखिए यहाँ छौंका लगाएंगे, अच्छा तो इनका दिमाग लगते रहता है ना, और इनको छौंका वाला ही पसंद है, जो कि हम लोग को करुआ तेल लहसुन मिर्चाई डाल के बड़ा मजा आता है खाने में। हाँ पता नहीं आपका टेस्ट मेरा टेस्ट अलग अलग क्यों है, तो इसमें डला रहे हैं अभी नमक बस, और क्या डाल छंका देना है फिर खा लेना है। हम लोग गांव में पता है दोस्तों क्या होता था, जैसे कि ये चोखा बना रहे हैं ना, तो वहां पर क्या होता था इसमें भात थोड़ा डाल देते थे ताकि चोखा की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाए। हाँ, हाँ। तो पहले भी डाली इसमें तो भात खाना ही है ना पेट के, नहीं लेकिन थोड़ा सा वो चोखा की मात्रा बढ़ने के लिए ऐसा होता था, और पहले गर्मी हालात ज्यादा हुआ करता था हम लोग का, नहीं सबका, बहुत पहले के लोग ऐसे ही खाते थे खाना को, टमाटर ही महंगा है तो टमाटर एक ही पीस डाले हैं, आप सब जानते हैं बताए जोर तो है नहीं हमें, है ना जी, ऐसे नहीं। ये रहा हमारा छौंका, बस तैयार है गर्मा गर्म दोपहर का खाना, आप सब भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए, चोखा भात और आम का अचार जो कि बहुत यम्मी लगता है इनका, जो है ना खाना दोस्तों सिंपल में ही सब अच्छा लगता है, सादा वाला खाना, अभी हमको सारा खाना पता है, सादा सादा अच्छा लग रहा है खाने में, पता नहीं आप सबको कैसा लगता है, लेकिन नहीं पता मुझे लगता है कि बहुत लोग बोलेंगे ना कि रूबी कुछ बनाती नहीं है, खाली चोखा भात खाती है सबको खिलाती है, तो दोस्तों रो रो सब्जी भी खाने खाने उब जाते हैं, आज थोड़ा हल्का खाने मन कर रहा है, और बस दोपहर खाना है, शाम को तो फिर बनेगा ही बनेगा, है ना जी, खाती है चोखा भात, आप सभी आ जाइए खाने के लिए, साथ में टमाटर मिक्स कर दिए हैं, इसको ढक दिए, एक चीज का कमी रह गया बैगन, अगर रहता तो और बैगन, हाँ मजा आ जाता, लेकिन बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में बैगन कम खाना चाहिए। तो हमारा जो किचन है अब पहले से अच्छा दिखने लगा है, आप सबको पसंद आया होगा, सबसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।